अज्ञात कारणों के चलते युवक ने किया सुसाइड। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी। शिवपुरी शहर के बसंत विहार कॉलोनी के रहने वाले एक 34 साल के युवक ने घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। कोतवाली पुलिस ने मर्ग कायम का शव का पोस्टमार्टम कराया है। युवक ने सुसाइड किन कारणों से किया इसका पता फिलहाल नहीं लग पाया है। जानकारी के मुताबिक बसंत विहार कॉलोनी में रहने वाले 34 साल के रविन्द्र सिंह का शव गुरुवार की शाम घर के कमरे में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम करवाया। मृतक रविंद्र सिंह ने फांसी किन कारणों से लगाई है इसका पता फिलहाल नहीं लग सका है। पुलिस को सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। रविंद्र अपने पीछे एक बेटा और एक बेटी को छोड़ गया है। कोतवाली पुलिस युवक की मौत का पता लगाने का प्रयास कर रही है। ये फांसी लगाई है, क्या मामला है? पता नहीं, अज्ञात कारण ने फांसी लगा ली है, जांच कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है सर इसका? रविंद्र सिंह यादव, नाम रमेश। उम्र कितनी होगी? 34 वर्ष है। 34 वर्ष से शादी हुआ है? शादी शुदा, एक लड़का एक लड़की है। तो क्या घर में ही लगा ली फांसी? सोम के कमरे में। पंखे से? पंखे से। किस चीज़ से लगाई थी? कुर्सी पे चढ़ के पंखा, दुपट्टा टाइप दुपट्टा था। तो सर ये कारण मालूम पड़ पाया? अभी कुछ नहीं, जांच में है। देने वाले कहाँ थे? अभी तो रहने वाले तो लेकिन अभी तो उनका सोम का मकान है, बसंत विहार कमला एरिया होटल के सामने, बसंत विहार कॉलोनी सोम का मकान है।